एफएससी पार्ट 1 के दो पेपर्स रीअपीयर होके सप्ली एग्जाम में देने के बाद हाउ आई मैनेज टू गेट एडमिशन इन अयूब मेडिकल कॉलेज, सो लेट्स फाइंड आउट। स्टोरी सुनने से पहले आप सबके जितने भी क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम और मेडिकल प्रोफेशन नीचे कमेंट करें, क्योंकि रेगुलरली वीडियोस में आने वाली वीडियोस में मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगा और साथ ही अपना एक्सपीरियंस और गाइडेंस भी दूंगा कि आप किस तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चलते हैं अपनी स्टोरी की जाने। ये कहानी है 2018 की, जब मैंने अपना मैट्रिक एग्जाम दिया और मेरे 1100 में से 1071 मार्क्स आए। मैंने फेडरल बोर्ड से अपना मैट्रिक किया था, लाहौर से मैं फिर शिफ्ट हुआ पेशावर, और पेशावर के सबसे बड़े यानी खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े और वेल नोन कॉलेज इस्लामिया कॉलेज पेशावर में मैंने एडमिशन लिया। बस फर्क इतना था कि यहाँ का बोर्ड पेशावर बोर्ड था और मैं फेडरल बोर्ड से पढ़ के आया था, जिसकी चेकिंग मार्किंग सब कुछ काफी डिफरेंट होता है। अनएक्सपीरियंस था मैं पेशावर बोर्ड के हवाले से, तो जब मैंने अपना एफएससी का एग्जाम दिया तो मेरे काफी कम मार्क्स आए, 515 से मेरे 464 मार्क्स आए, और उस टाइम टॉप जो हुआ था वो 505 मार्क्स पे हुआ था। अगर मैं उस टाइम देखता कंपेयर करता तो ईटा का एग्जाम था और मेरे 464 मार्क्स के कभी भी एडमिशन ना होता आगे जाके। तो मैंने घर वालों से कहा, उनके अब्बू ने मुझे काफी कहा कि ना दो एग्जाम, ऐसे ना हो नंबर कम हो जाए, लेकिन मैंने कहा अपने साथ कमिटमेंट की कि अब पढ़ के मैंने एग्जाम भी देना और अगले साल मैंने फर्स्ट टाइम एमडीकैट पास करना है और एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में। तो हुआ कुछ यूं कि मैंने सप्ली का एग्जाम दिया, मैंने अपने दो पेपर कैंसिल किए, उसमें मैं रीअपीयर हुआ और मैंने 20 मार्क्स इंप्रूव किए, यानी 5464 से मैं गया 484 पर। और अल्लाह की करना ये हुआ कि 2020 में मेरा हमारा सेकेंड ईयर एग्जाम था तो कोरोना की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गए। तो हुकूमत ने ये कहा कि आपको हम ये मार्क्स जो जिसके फर्स्ट ईयर के उसको प्लस करके और साथ हम 5% ग्रेस मार्क्स दे देंगे। तो उसका मुझे जब मैंने वहां पे रिस्क लिया, मैंने फ्यूचर का सोच के मैंने इम्प्रूवमेंट की, पेपर कैंसिल किया, उसका मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ कि 20 मार्क्स मुझे और भी सेकेंड ईयर के मिल गए और साथ ही साथ 5% ग्रेस मार्क्स। तो कहना बस ये चाहूंगा कि जब भी आप स्टेप लें तो आगे की सोच कर लें, आसपास लोगों को नहीं, क्योंकि कुछ लोग आपके वो चीज नहीं कर रहे होंगे जो आपको करनी चाहिए और वही चीज आपको उनसे अलग करके आगे जाने में हेल्प करेगी। तो हमेशा बड़ी सोच रखें और स्मार्ट वर्क करें, इन चीजों में ना देखें आसपास के लोगों को, अपने एक्सपीरियंस को लाते हुए अपने फ्यूचर को देखते हुए स्टेप्स लें, क्योंकि मैं अगर ना स्टेप्स लेता तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरा एडमिशन ना होता, मुझे एक साल रिपीट करना पड़ता। लेकिन मैंने इम्प्रूव किया एफएससी से, मैंने कमिटमेंट की अपने साथ और आज मैं यहाँ पे थर्ड ईयर के एमबीबीएस के एग्जाम देके फ्री हो चुका हूँ। विंटर वेकेशन है, 26 फरवरी को हमारा विंटर वेकेशन खत्म होगा और इंशाल्लाह मैं अपने फोर्थ ईयर एमबीबीएस के सेशन को कंटिन्यू करूँगा। अगर आप मेरी मेडिकल एंट्री टेस्ट की जर्नी जानना चाहते हैं सो कमेंट बिलो और मैं आने वाले वीडियो में आपको उसका भी जवाब दूंगा और साथ ही साथ आपके किए गए क्वेश्चंस का भी जवाब दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।